हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हम लेक्चर्स में देखेंगे कि दो पॉइंट के बीच रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। वो सर्किट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है, तो हर एक सर्किट के अंदर में कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे, तो वो चेंजिंग के आधार पे जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे, वो क्या क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, हम वो क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो पहले हम एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपके बीच अगर रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पूछा जा रहा है, तो उसके बीच में जो कंसेप्ट है वो क्या क्या यूज हो सकता है। तो हम पहले आपका थोड़ा लिस्टिंग कर देते हैं कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एक तो होता है आपका सीरीज कनेक्शंस करने आना आपको चाहिए, दूसरा है आपको पैरेलल कनेक्शंस करने आना चाहिए, तीसरा है ये दोनों का कम्बिनेशंस। तो तीसरा है कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। फोर्थ है आपका कि कभी कभी ऐसा होता है कि न वो सीरीज में है न वो पैरेलल में है, तो वो किस में होता है, ब्रिज टाइप का होता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें एक ब्रिज बन सकता है, तो एक होता है बैलेंस्ड ब्रिज, तो ब्रिज का कंसेप्ट हमें आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सिमेट्री का कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि जहाँ पे पॉइंट सिमेट्री होता है तो वो हम कैसे पहचानते हैं। तो अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये पांच कंसेप्ट आपको अच्छे से आपके नॉलेज है आपके पास में, तब जाके किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस का जो कनेक्शंस है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिक्कत क्या होता है, अधिकांश बच्चे के पास जो नॉलेज है वो नॉलेज सिर्फ ये दो का होता है, जिस कारण उनका क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाता, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी किए हैं या उनके पास नॉलेज है तो वो ये तीसरा भी कर लेते हैं। उसके बाद और भी कम बच्चे हैं जो ब्रिज तक पहुंचते हैं, और बहुत ही कम है जो सिमेट्री तक पहुंचते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं कि क्वेश्चंस अगर सिमेट्री से पूछेगा, तो आप एक क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक क्यूब शेप दे दिया, जैसे आपके पास जैसे सीरीज है, इसका एग्जांपल क्या है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका R1 है यहाँ पे R2 है, ये सबसे सिंपल है। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को हम लगा देते हैं पैरेलल में। तीसरा में क्या है कि दोनों को हम मिक्स करते हैं। तो क्वेश्चंस SSC JEE RRB JEE DMRC इस लेवल का अगर एग्जाम है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका ये 3 और 4 वाले से आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल और ब्रिज, हो सकता है ब्रिज के साथ में कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल मिक्स कर सकता है, ब्रिज प्लस सीरीज प्लस पैरेलल, ये तीनों के कंसेप्ट के बेस पे अगर क्वेश्चंस आता है तो वो सबसे अच्छा क्वेश्चंस माना जाएगा SSC JEE लेवल तक। यदि आप उससे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं गेट लेवल या ES लेवल तक जा रहे हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिज सीरीज एंड पैरेलल, या इसको कम्बिनेशन बोल सकते हैं कि ब्रिज प्लस कम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद आता है सिमेट्री, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप का होता है, ये टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हाँ इसका कुछ फिक्स शेप है जिसमें क्वेश्चंस पूछता है। अगर वो 3-4 शेप अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, उसका डेरिवेशंस हम पढ़ेंगे, लेकिन डेरिवेशंस के बाद जो रिजल्ट आता है यदि आप उस रिजल्ट को याद कर लेते हैं, तब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो वो आपसे निकल जाएगा। लेकिन हाँ एक बार वो टाइम देना पड़ेगा कि रिजल्ट आया कैसे। तो ये आपको हमें लगता है कि अब समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस किस टाइप पे हो सकता है। तो ठीक है, हम हर पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है एग्जाम में उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लेक्चर्स है जो अभी हम देने जा रहे हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्यों,
कि पढ़ना सबसे आसान काम है। किसी भी कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी बुक है, आप उसका थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एप्लीकेशंस। हम जब एप्लीकेशंस लेवल पे जाते हैं तब हमें डाउट प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब डाउट आता है उस समय तक हम कोचिंग से निकल चुके होते हैं, या हो सकता है कि हम डाउट नहीं पूछ पाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है, और जिस चीज़ के लिए हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे जाके अगर हमें प्रॉब्लम हो तो वो बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, हम आपके हैं साथ में। तो अगर आप हमारे साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, पहला आता है सीरीज कनेक्शंस। ये पॉइंट सबको इजी लगता है, जितने बच्चे होते हैं उनको सीरीज कनेक्शंस करने आता है। तो सीरीज, यदि आपसे कोई पूछता है कि हम कैसे बता दें कि ये दोनों सीरीज में हैं, एक तो देख के बताते हैं कि ये दोनों सीरीज में हैं, क्योंकि ऐसा ही शेप हमें बुक में, नोट्स में, या हम कहीं पढ़ते हैं तो ऐसा दे दिया जाता है और बोलता है ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये दोनों सीरीज में हैं। और हम इस शेप को अपने माइंड में हम बैठा लेते हैं कि जब भी ऐसा फिगर दिखाई देगा उसको हम सीरीज मानेंगे। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर रजिस्टर इसमें करंट, इस लाइन में करंट I पास कर रहा है, तो I करंट R1 से भी पास करेगा और R2 से भी करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर दोनों रजिस्टेंस से सेम करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है, तब ये कहलाएगा कि ये सीरीज में है। और जब सीरीज में होता है तो इस दोनों का जो आर इक्विवेलेंट है ये क्या हो जाएगा आपका? R1 + R2। तो ये सबसे इजी है। इसमें लॉजिक क्या है कि यदि उस लाइन में अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तब वो क्या है? सीरीज में है। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब होता है कि अगर दो रेजिस्टेंस या दो से ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ये शेप मत याद कीजिए, इसके कंसेप्ट याद कीजिए। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। रेजिस्टेंस ये हमारा R1 है, ये R2 है। ये दोनों पैरेलल तभी पॉसिबल है जब दोनों का स्टार्टिंग का पोटेंशियल और दोनों का एंडिंग का पोटेंशियल, जैसे R1 का स्टार्टिंग का पोटेंशियल हम यहाँ पे ए पे देख लें और R2 का भी इसी पॉइंट पे है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे है और दोनों रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट एक जगह पे है, है? आपको दिख रहा है R1 स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से और एंड हो रहा है पॉइंट बी पे, R2 भी स्टार्ट हो रहा है ए से और एंड हो रहा है बी पे, तो ये दोनों पैरेलल कहलाएगा। इसी में अगर हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ दें, यहाँ से हम एक और कर दें, तो ये भी पैरेलल में है। अभी आपको सिंपल दिख रहा है, हम जब कॉम्बिनेशंस में आएंगे तो इसी का यूज करना आपके थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले लेते हैं हम। तो इसका होता है अगर आप R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो R1 × R2 / R2, इसका ये फार्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है? जब भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और इसका इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम? दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में और डिवाइड कर देंगे दोनों के प्लस से। जैसे अगर हम यहाँ पे 6 और ले ले 3, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 3 ओम, क्या हो जाएगा? 6 × 3 = 18, R = 18 / 6 + 3 = 9, कट करेंगे 2, तो 2 ओम हो गया। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को प्लस उसको डिवाइड कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक था और हम रिवीजन करवा दिए। अब आते हैं हम आगे दोनों के कॉम्बिनेशंस पे, और SSC JEE DMRC जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉम्बिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करता है, वहाँ पर भी आएंगे। अब आता है तीसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन आपका है फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यहाँ पे है ए बी दे दें, तो पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी हमें रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में चाहिए, और यहाँ पे सबका वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हम 2 ओम दे दें, यहाँ पे 5 ओम दे दें, चाहे यहाँ पे हम 3 ओम, यहाँ पे भी 3 ओम, यहाँ पर भी 3 ओम, यहाँ पे 2 ओम। अब आपसे पूछा जाता है कि आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, यानी आपका आर ए बी पूछा जा रहा है। आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि ये क्वेश्चन सीरीज में है या पैरेलल में है? तो ये पूरा क्वेश्चन ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, ये कम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल पे है। तो कैसे सीरीज एंड पैरेलल पे कम्बिनेशंस है, तो हम क्या बताए हैं कि दो रेजिस्टेंस के बीच में यदि करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो वो दोनों सीरीज में होता है। तो आप यहाँ देखिए, अगर ए बी पूछा जाए तो इधर से मत निकालिए, आप वापस इन साइड से आइएगा। ये पहला टेक्निक आप ध्यान रखिए कि जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे तो आप एंडिंग साइड से आइएगा, स्टार्टिंग साइड तरफ में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 3 ओम और ये 3 ओम, यानी ये दोनों जो आपका है ये दोनों किस में है, सीरीज में है। क्यों? अगर हम यहाँ से करंट को मूव कर दे आई करंट, तो यहाँ से आई वन और यहाँ पे आई टू डिस्ट्रीब्यूट होगा, दो पार्ट है। आई वन यहाँ से अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पर भी आई वन ही आएगा, और यहाँ पे आई टू फिर यहाँ आके आई बन जाएगा। तो जो आई वन करंट 3 ओम से पास हुआ है, वही आई वन करंट ये भी 3 ओम से पास हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो इसका जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, और ये तो 3 ओम रहेगा ही, ये जो दोनों 3 और 3 है ये 6 बन जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसे पैरेलल शो कर सकते हैं। इसके फिगर पे मत जाइए, ये फिगर हम किसी तरह ड्रॉ करें, आपको बस पोटेंशियल से मतलब होना चाहिए। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे ये 2 ओम है। आप कभी भी इसका जो डिजाइन है उस पर मत ध्यान दीजिएगा, इसका जो पोटेंशियल से, अब देखिए ये 6 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और 3 ओम का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एक एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, इसका भी एंडिंग पॉइंट ये है। अब ये पैरेलल के कंडीशंस को फॉलो कर रहा है कि 6 ओम और 3 ओम दोनों का स्टार्टिंग एंड भी सेम है, और एंडिंग एम मतलब एंडिंग जो है ये भी दोनों सेम है पॉइंट। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों हो गया पैरेलल में, 6 और 3 पैरेलल में होता है, उसका वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 3 18, 6 प्लस 3 9 2, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। इसको अगर हम रिप्लेस कर दे दोनों को, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख देंगे 2 ओम, और 2 ओम ये है। अब ए और बी के बीच में 2 और 2 कितना बच गया, 4, तो हमारा 4 ओम आंसर हो गया। तो क्या ये कम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल में इसको कैटेगरीज हम कर सकते हैं ना, ये सीरीज और पैरेलल के कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। अब ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चंस भी आपका 2014 यानी 2014 में पूछ चुका है इसी पैटर्न पे, 2014 SSC JEE में ये आया हुआ है। तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस हम आपको कैटेगरी में बांट रहे हैं कि क्वेश्चंस किस कैटेगरी से क्वेश्चंस एग्जाम पूछ लेता है, एग्जाम SSC JEE या कोई भी JEE लेवल एग्जाम है। इस पे हम क्वेश्चंस एक दो और देते हैं जो आपको करने हैं।
आपको क्वेश्चन सबसे पहले अपने नोटबुक में करना है, और जब नहीं बने तब आपको ये वीडियो प्ले करना है। आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। ये क्वेश्चन है, और फाइंड करना है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लंबा कर दिए, तो क्वेश्चंस लंबा करने से क्वेश्चंस टफ होता है ऐसा मत समझिए। बस कंसेप्ट अगर आपको पता चल गया, क्वेश्चंस कितना भी हम बड़ा डाल दें आपके लिए वो इजी है। हो सकता है कैलकुलेशंस लंबा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यदि आपका एक बार बन जाता है तो क्वेश्चंस आपके लिए कितना भी चेंजिंग हो जाए आपके लिए क्वेश्चंस इजी ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप उठाते हैं हम, क्या बोले कि अगर आपको आर ए बी निकालना है तो जिधर इंट साइड है उधर से क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चंस में हम स्टेप हम आपको बताएंगे, हम करेंगे नहीं, आपको खुद सोल्व करना है। 1 ओम और 1 ओम किस में है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये दोनों सीरीज में कहलाएगा। यानी ये 1 ओम, ये 1 ओम किस में है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो दोनों को रिप्लेस करके हम 2 लिख सकते हैं। आप फिर से सुन लीजिए कि ये 1 ओम, ये 1 ओम के बीच में कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। जो करंट यहाँ पे इन करेगा वही करंट यहाँ से आउट भी होगा। इसका मतलब हुआ कि ये 1 ओम के पास जो करंट आएगा वही इस 1 ओम के पास में होगा, यानी ये दोनों सीरीज में कहलाएगा। चलिए, अब सीरीज में हो गया तो दोनों को हम इकट्ठा कर दें 2 ओम से। तो अब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को हम इसको हम हटा देते हैं, और हम इसको इस करके इसको हम 2 ओम रिप्लेस कर दिए। दोनों 1 ओम को जोड़ के 2 कर सकते हैं। अब देखिए, ये 2 ओम का स्टार्टिंग, ये 2 ओम का स्टार्टिंग एक जगह, ये 2 ओम का एंडिंग, ये 2 ओम का एंडिंग एक जगह। तो अब ये पैरेलल का कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब ये 2 ओम और 2 ओम पैरेलल होगा तो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट, 1 ओम। क्यों, कि जब दो सेम रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं पैरेलल में उसका इक्विवेलेंट उसका हाफ होता है। तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, 1 ओम। तो क्या करेंगे इसको, हम इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 1 ओम से, इसको हम रिप्लेस कर दिए। आप हर समय अपने कॉपी में नया नया फिगर ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो ये आप अपने माइंड में भी स्टोर कर सकते हैं, कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1 ओम 1 ओम, अब क्या है इसमें, ये दोनों सीरीज में है, किस में है, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो ये दोनों बन जाएगा कितना, 2 ओम बन जाएगा। अब क्या है कि ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में है, पैरेलल में, तो दोनों को हम पैरेलल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1 ओम। फिर हो जाएगा कि दो दो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं पैरेलल में तो हाफ होता है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा आपका, 1 ओम। अब फिर देखिए, 1 ओम और ये 1 ओम किस में है, सीरीज में, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 ओम हो जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं दोनों को, और इसको इक्विवेलेंट करते हैं 1 में। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम कितना हुआ, 1 ओम। क्यों, क्योंकि पैरेलल में है
और पैरेलल में डिस्टेंस हाफ होता है अगर दोनों सेम है तो। तो ये दोनों को हटा के हम क्या कर दिए, 1 ओम। अब ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या हो गया, 2 ओम। तो ये दोनों को रिप्लेस करके हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं दोनों के बदले, उसको कर देते हैं 2 ओम। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में है, पैरेलल में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 ओम और ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम किस में है, सीरीज में। क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच में 3 ओम और यही आपका आंसर होगा। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है, बिल्कुल आसान है यदि आपको सीरीज और पैरेलल पहचानने आ गया और पैरेलल को शॉर्टकट निकालना आ गया। तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था, बस देखने से लंबा दिख रहा था। यदि सॉल्व किया जाए तो बिना पेन पेपर का हम क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या वो सर्किट कितना भी लंबा क्यों ना दिया हो। SSC JEE लेवल, DMRC लेवल, आपका RRB JEE लेवल, ये सब का जो लेवल है ये मीडियम या बिलो मीडियम लेवल के क्वेश्चन होता है। तो कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा टफ यूज नहीं करेगा। यही अगर क्वेश्चन गेट लेवल पूछा जाता है और अगर गेट लेवल में रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो वो क्वेश्चन में कंसेप्ट ज़्यादा मर्ज कर देता है। हम वहाँ तक जाएंगे क्वेश्चन लेके। ये तो था मीडियम लेवल पे या बिलो मीडियम ही कह सकते क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट मात्र 2 यूज हुआ था, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप खुद कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC JEE के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप से है। सॉरी, ये हम फिगर रिड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चंस पहले आपको खुद ट्राई करने हैं और जब आपसे नहीं बनेगा उसके बाद हम बताएंगे क्या करना है आपको, कि सब जो साइड है उसका रेजिस्टेंस 8 ओम दे दिया गया है। इसमें टोटल अगर एक क्यूब की बात करें तो क्यूब में टोटल 12 साइड होते हैं, 12 इसमें साइड होते हैं, और हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 8 ओम है। इसमें क्वेश्चंस 3 टाइप से पूछे जाते हैं, तो हम एक एक टाइप करके देखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चंस। ये क्या पूछेगा कि इसके जो डायगोनल रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू कितना है, आर है। आपसे वो पूछेगा कि R इक्विवेलेंट बिटवीन डायगोनल पूछ सकता है। तो जब ये रेजिस्टेंस डायगोनल पूछेगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद बना के एक बार चेक कीजिए। यदि आपसे नहीं बन पाता है उसके बाद हम इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का लेक्चर्स यहीं तक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम एक्सप्लेन करते हुए हम क्वेश्चंस को और हम आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। और एक और चीज़, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम ये वीडियो अपडेट करेंगे आपके पास में नोटिफिकेशंस आएगा, और ये तभी आएगा जब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहेगा आपका, क्योंकि अब ये सीरीज है। अब ये क्वेश्चंस आपसे अगर नहीं बन पाता है तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका सॉल्यूशन रहेगा। फिर होगा कि उस वीडियो में जो होमवर्क होगा वो उसके नेक्स्ट वाले में उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से अगर हम क्वेश्चंस बनाते हैं,
जैसे इसमें क्या है कि जैसे हमको यहाँ से कुछ इसमें हम ये है और यहाँ से आउट है, ये पॉइंट को बी मान लीजिए और ये पॉइंट को ए मान लीजिए, तो रेजिस्टेंस बिटवीन यहाँ पूछ सकते हैं, चाहे आर ए बी पूछेगा, तो डायगोनल हो गया, ये रेजिस्टेंस ए इंटर किया है और बी से आउट हुआ है, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए है, तो ए पॉइंट से करंट इंटर किया और बी से बाहर निकला है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई पूछा हुआ है, तो जब तक आपका अब माइंड जो है इस पे वर्क नहीं करेगा तब तक आपका हो सकता है आंसर्स न आए, लेकिन जो अप्रोच है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कल इसके अंदर में जो कंसेप्ट है सिमेट्री का भी कंसेप्ट इसमें लगेगा, हो सकता है आपसे बन जाए, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अगर नहीं भी बन पाता है तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके हम सॉल्यूशंस डालेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नए लेक्चर्स में। अगर कोई डाउट हो अगर इस वीडियोज में तो आप हमारे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या जो हमारा मोबाइल नंबर्स होगा उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी डाउट पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7982144106, इस पे अगर डाउट पूछना हो तो व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हम कॉल रिसीव ना करें आप तो वो बुरा लग सकता है, तो व्हाट्सएप कीजिएगा, हो सकता है देर सवेर हम उस पे मैसेज का रिप्लाई हम करेंगे ही करेंगे। कॉल्स में क्या होता है कि हम जब क्लासरूम में होते हैं तो हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते, या स्टडी में होते हैं तो हम कॉल रिसीव नहीं करेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा और लगता है कि कॉल करते हैं तो सर उठाते हैं, मतलब रिसीव नहीं करते हैं, तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी डाउट है या कुछ नया क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा तो हम बोर्ड पर सॉल्व कर देंगे, या अगर ईजी है तो हम आपको व्हाट्सएप में ही व्हाट्सएप रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नए लेक्चर्स में, थैंक यू।